हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। पहला द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 अर्थात व्यवसाय संघ अधिनियम 1926। दूसरा द पेमेंट्स ऑफ वेजेज एक्ट 1936 अर्थात मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। तीसरा द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। चौथा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948। पांचवा द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अर्थात औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में अध्याय 3 का अध्ययन किया गया था। आज के व्याख्यान में हम अध्याय 4 का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 4 का शीर्षक है प्राधिकारियों की प्रक्रिया, शक्तियां और कर्तव्य, प्रोसीजर, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ अथॉरिटीज। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा धारा 11 से लेकर धारा 21 तक इससे संबंधित प्रावधानों पर अध्ययन किया जाना है। इसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम धारा 11 से लेकर धारा 15 तक चर्चा करेंगे, जबकि दूसरे भाग में धारा 16 से लेकर धारा 21 तक चर्चा करेंगे। भाग एक, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा धारा 11 से लेकर धारा 15 तक चर्चा की जानी है, के अंतर्गत धारा 11 सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों और अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित प्रावधान बताती है। धारा 11 के कर्मकारों को सेवानोन्मुख या पदच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति के बारे में बताती है। धारा 12 के अंतर्गत सुलह अधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 13 में बोर्ड के कर्तव्यों के संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 14 के अंतर्गत न्यायालयों के कर्तव्य के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 15 में श्रम न्यायालयों, अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्तव्य संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। और आज के व्याख्यान में भी हम भाग एक, जो कि धारा 11 से लेकर 15 तक हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है, पर चर्चा करेंगे। दूसरा भाग है भाग दो, जो कि धारा 21 से धारा 16 से लेकर धारा 21 तक है, के अंतर्गत धारा 16 में रिपोर्ट या अधिनिर्णय के प्रारूप के संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 17 के अंतर्गत रिपोर्टों और अधिनिर्णयों का प्रकाशन से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 17A में अधिनिर्णय का प्रारंभ से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 17B में उच्चतम न्यायालयों में कार्रवाइयों के लंबित रहने के दौरान कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 18 में
वे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्ध कर होंगे से संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। धारा 19 में समझौतों और अधिनिर्णयों के प्रवर्तन की कालावधि से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 20 के अंतर्गत कार्रवाइयों का प्रारंभ और उनकी समाप्ति से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। धारा 21 में कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना संबंधी प्रावधान बताए गए हैं। अब है भाग एक, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा धारा 11 से लेकर धारा 15 तक चर्चा आज के व्याख्यान में की जानी है। अब सबसे पहले है सेक्शन 11, सुलह अधिकारियों, बोर्डों, न्यायालयों और अधिकरणों की प्रक्रिया और शक्तियां। उपधारा 1 के अनुसार उन नियमों के अध्याधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाए, मध्यस्थ बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसी मध्यस्थ या अन्य प्राधिकारी जो संप्रक्त हो ठीक समझे। उपधारा 2 के अनुसार सुलह अधिकारी या बोर्ड का सदस्य या न्यायालय या श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी किसी विद्यमान या आशंकित औद्योगिक विवाद की जांच के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त समय युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जो किसी ऐसे स्थापन के अधिभोग में हो जिससे वह विवाद संबद्ध हो। उपधारा 3 के अनुसार हर बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण को निम्नलिखित विषयों की बाबत अर्थात कै किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और शपथ पर उसकी परीक्षा करने के लिए ख दस्तावेज और भौतिक पदार्थ पेश करने को विवश करने के लिए गए साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालने के लिए घ ऐसे अन्य विषयों की बाबत जैसे विहित किए जाए वही शक्तियां होगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निहित होती है और बोर्ड, न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा की जाने वाली हर जांच या अन्वेषण को भारतीय दंड संहिता 1860 की धाराओं 193 और 228 के अंदर न्यायिक कार्रवाई समझा जाएगा। उपधारा 4 के अनुसार सुलह अधिकारी किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित करा सकेगा या किसी ऐसी दस्तावेज को मंगा सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह समझने का आधार हो कि वह औद्योगिक विवाद से सुसंगत है या किसी अधिनिर्णय के कार्यान्वयन को सत्यापित करने या इस अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य का पालन करने के लिए आवश्यक है और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति की हाजिरी प्रवर्तित कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश करने की बाबत सुलह अधिकारी को वे ही शक्तियां होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित होती। उपधारा 5 के अनुसार यदि न्यायालय, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसा करना ठीक समझे तो वह विचाराधीन विषय का विशिष्ट ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को अपने समक्ष की कार्रवाइयों में सलाह देने के लिए असेसर या असेसरों के रूप में नियुक्त कर सकेगा। उपधारा 6 के अनुसार सभी सुलह अधिकारी, बोर्ड या न्यायालय के सदस्य और श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ के अंदर लोक सेवक समझे जाएंगे। उपधारा 7 के अनुसार श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की किसी कार्य
वही के और उससे अनुषंगिक खर्चों को दिलाना इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन रहते हुए उस श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के विवेकाधिकार में होगा और यथास्थिति उस श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को यह अवधारित करने की कि ऐसे खर्चे जिसके द्वारा और जिसको और कितने तक तथा किन शर्तों के यदि कोई हो अध्याधीन रहते हुए दिए जाने हैं और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निर्देश देने की पूरी शक्ति होगी और ऐसे खर्च हकदार व्यक्ति द्वारा समुचित सरकार को आवेदन किए जाने पर उस सरकार द्वारा उस रीति से वसूल किए जा सकेंगे जैसे भू राजस्व की बकाया वसूल की जाती है। उपधारा 8 के अनुसार हर श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 345, 346 और 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। उपधारा 9 के अनुसार श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा दिए गए प्रत्येक पंचायत जारी किए गए आदेश या उसके समक्ष किए गए समझौते का निष्पादन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 21 के अधीन सिविल न्यायालय के आदेशों और डिग्री के निष्पादन के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। उपधारा 10 के अनुसार यथास्थिति श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण किसी पंचायत आदेश या समझौते को अधिकारिता रखने वाले किसी सिविल न्यायालय को पारेषित करेगा और ऐसा सिविल न्यायालय उस पंचायत आदेश या समझौता का निष्पादन ऐसे करेगा मानो वह उसके द्वारा पारित की गई कोई डिग्री हो। अब है सेक्शन 11 के कर्मकारों को सेवानोन्मुक्त या प्रच्युत करने की दशा में समुचित अनुतोष देने की श्रम न्यायालयों अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों की शक्ति। जहां किसी कर्मकार की सेवा उन्मुक्ति या पदच्युति के संबंध में कोई औद्योगिक विवाद किसी श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किया गया हो तथा न्याय निर्णय की कार्रवाइयों के अनुक्रम में यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का समाधान हो जाए कि सेवा उन्मुक्ति या पदच्युति का आदेश न्यायोचित नहीं है, वहां वह अपने अधिनिर्णय द्वारा सेवानुमुक्ति या पदच्युति के आदेश को अपास्त कर सकेगा तथा कर्मकार के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर यदि कोई हो जिन्हें वे ठीक समझे पुनः स्थापन का निर्देश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष जिसके अंतर्गत सेवानुमुक्ति या पदच्युति के बदले न्यूनतर दंड का अधिनिर्णय भी है दे सकेगा जैसा कि मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, परंतु इस धारा के अधीन किसी कार्रवाई में यथास्थिति श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण केवल उसी सामग्री पर निर्भर करेगा जो अभिलेख पर हो और उस विषय के संबंध में कोई नया साक्ष्य नहीं लेगा। अब है सेक्शन 12 सुलह अधिकारियों के कर्तव्य। उपधारा 1 के अनुसार जहां की कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है वहां सुलह अधिकारी विहित रीति से सुलह कार्रवाइयां कर सकेगा या जहां की विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के संबंध में है और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई है वहां वह ऐसी कार्रवाइयां विहित रीति से करेगा। उपधारा 2 के अनुसार सुलह अधिकारी विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसके ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलंब करेगा और विवाद का रिजू तथा
सौहार्दपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा जिन्हें वे ठीक समझे। उपधारा 3 के अनुसार यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्रवाइयों के अनुक्रम में हो जाता है तो सुलह अधिकारी समुचित सरकार का या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा। उपधारा 4 के अनुसार यदि ऐसा कोई समझौता नहीं हो पाता तो सुलह अधिकारी अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा जिसमें विवाद से संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिच्छय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदम और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा पूरा विवरण और वे कारण भी जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका उपवर्णित होंगे। उपधारा 5 के अनुसार यदि उपधारा 4 में निर्दिष्ट रिपोर्ट पर विचार करने पर समुचित सरकार का समाधान हो जाए कि बोर्ड श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश करने के लिए मामला बनता है तो वह ऐसा निर्देश कर सकेगी। जहां की समुचित सरकार ऐसा निर्देश नहीं करती वहां वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और संप्रग पक्षकारों को संसूचित करेगी। उपधारा 6 के अनुसार इस धारा के अधीन रिपोर्ट सुलह कार्रवाइयां प्रारंभ होने के 14 दिन के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए निवेदित की जाएगी, परंतु सुलह अधिकारी के अनुमोदन के आधे दिन रहते हुए रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए। अब है सेक्शन 13 बोर्ड के कर्तव्य। उपधारा 1 के अनुसार जहां की कोई विवाद इस अधिनियम के अधीन बोर्ड को निर्देशित किया गया है वहां बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह उसका समझौता कराने का प्रयास करे और बोर्ड इस प्रयोजन के लिए विवाद का तथा उसके गुणावगुण और उसका ठीक समझौता होने पर प्रभाव डालने वाले सभी मामलों का अन्वेषण अविलंब और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे करेगा और विवाद का ऋजु तथा स्वार्थपूर्ण समझौता करने के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजनार्थ वे सभी बातें कर सकेगा जिन्हें वह ठीक समझे। उपधारा 2 के अनुसार यदि विवाद का या विवादग्रस्त मामलों में से किसी का भी समझौता सुलह कार्रवाइयों के अनुक्रम में हो जाता है तो बोर्ड समुचित सरकार को उसकी रिपोर्ट विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सहित भेजेगा। उपधारा 3 के अनुसार यदि कोई समझौता नहीं हो पाता है तो बोर्ड अन्वेषण समाप्त होने के पश्चात यथासाध्य शीघ्रता से समुचित सरकार को पूरी रिपोर्ट भेजेगा जिसमें विवाद से संबद्ध तथ्यों और परिस्थितियों का अभिनिश्चय करने और विवाद का समझौता कराने के लिए बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाइयों और उठाए गए कदम और साथ ही उन तथ्यों और परिस्थितियों का पूरा पूरा विवरण उन पर उसके निष्कर्ष और वे कारण जिनसे उसकी राय में समझौता नहीं हो सका तथा विवाद का अवधारण कराने के लिए उसकी सिफारिशें उपवर्णित होगी। उपधारा 4 के अनुसार यदि लोक उपयोगी सेवा से संबद्ध विवाद की बाबत उपधारा 3 के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर
समुच्चय सरकार का धारा 10 के अधीन श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देश नहीं करती तो वह उसके लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी और संपर्क पक्षकारों को संसूचित करेगी। उपधारा 5 के अनुसार बोर्ड इस धारा के अधीन अपनी रिपोर्ट उस तारीख से जिसको उसे विवाद निर्दिष्ट किया गया था 2 मास के भीतर या ऐसी अल्पतर कालावधि के भीतर जैसी समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए निवेदित करेगा, परंतु समुचित सरकार रिपोर्ट निवेदित करने का समय ऐसी अतिरिक्त कालावधियों के लिए जो कुल मिलाकर 2 मास से अधिक की न होगी समय समय पर बढ़ा सकेगी, परंतु यह और कि रिपोर्ट निवेदित करने का समय इतनी कालावधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा जितनी के बारे में विवाद के सभी पक्षकारों में लिखित रूप में सहमति हो जाए। अब है सेक्शन 14, न्यायालयों के कर्तव्य। न्यायालय अपने को निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगा और उन पर अपनी रिपोर्ट समुचित सरकार को जांच के प्रारंभ से मामूली तौर पर 6 महीनों की कालावधि के भीतर देगा। अब है सेक्शन 15, श्रम न्यायालयों अधिकरणों और राष्ट्रीय अधिकरणों के कर्तव्य। जहाँ की कोई औद्योगिक विवाद श्रम न्यायालय अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को न्याय निर्णय के लिए निर्देशित किया गया है वहाँ वह अपनी कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक करेगा और ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या धारा 10 की उपधारा 2 के द्वितीय परंतु के अधीन विस्तारित अतिरिक्त कालावधि के भीतर अपना अधीन निर्णय समुचित सरकार को निवेदित करेगा। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 4 जिसका शीर्षक है प्राधिकारियों की प्रक्रिया शक्तियां और कर्तव्य और जिसके अंतर्गत धारा 11 से लेकर धारा 21 तक इससे संबंधित प्रावधान बताए गए हैं और जिसे हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम भाग जो कि धारा 11 से लेकर धारा 15 तक है पर आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और अगले व्याख्यान में हम भाग 2 जो कि हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से धारा 16 से लेकर धारा 21 तक विभाजित किया गया है पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।